मैं भी चौकीदार हूँ कहने से काम हो जाएगा, ये बताइए आप। हम यहाँ अपनी रुड़की का चौकीदारा करेंगे, अपने जिले का करेंगे, हर बेरोजगार को ले जाकर उसका चौकीदारा करेंगे कि उसको रोजगार मिले। चौकीदार 130 करोड़ लोग हिंदुस्तान के चौकीदार। कांग्रेस ने बोला कि चौकीदार चोर है, तो नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए शामिल किया है। जनता ये कह रही है कि मुद्दा गोल हो रखा है, सारा मुद्दा चौकीदारी पे चल रहा है। मुद्दा क्या है इस लोकसभा चुनाव का? मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारे मुद्दे बरकरार हैं। मोदी जी है तो मुमकिन है। तो मोदी जी को कम से कम जो है 15 साल का भी उन्हें समय मिलना चाहिए। सारे घोटाले किए हैं कांग्रेस ने, तो अब कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सब में घोटाले नजर आएंगे। जो मरने की हालत में है और उसको मिल रहा है 5 लाख रुपए, क्या बात कर रहे हैं। नहीं बनाना क्या है, देखिए अब तो चौकीदार सभी लोग बन गए हैं। सुरक्षा मुझे लगती है कि देश की सुरक्षा जो है सभी लोगों ने संभालने की बात कर दी है। ये चौकीदार का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ये बताइए मुझे। चौकीदार का मतलब यह है कि हमें जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, इन भ्रष्टाचारियों को इनके लिए चौकीदारा है हमारा, इनके लिए ही चौकीदारा है हमारा। मैं भी चौकीदार हूँ कहने से काम हो जाएगा, ये बताइए आप। हाँ बिल्कुल काम होगा, हम सब लोग लगेंगे, हम सब लोग चौकीदारा कर रहे हैं। इसीलिए खाली नरेंद्र मोदी चौकीदारा नहीं कर रहे हैं देश का, हम यहाँ अपनी रुड़की का चौकीदारा करेंगे, अपने जिले का करेंगे, अपने प्रदेश का चौकीदारा करेंगे। पहले एक टाइम हुआ करता था जब मुद्दे हुआ करते थे राजनीति के कि शिक्षा देंगे आपको, व्यवसाय की छूट देंगे, बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी, रोजगार मिलेगा, भुखमरी खत्म होगी। अभी सिर्फ और सिर्फ चौकीदार और मैं बेरोजगार, बस इतना चल रहा है, क्या कारण है इसका? ऐसा देखिए, चौकीदार से एक फ़ायदा होगा कि जहां बेरोजगार और शिक्षा की आप बात जो कर रहे हैं, उसमें जो आने वाला समय है उसमें हर व्यक्ति हर बेरोजगार को ले जाकर उसका चौकीदारा करेंगे कि उसको रोजगार मिले। जिन लोगों ने आज तक रोजगार कांग्रेस के समय में नहीं दिया, वो उस समय चौकीदारा ठीक से नहीं किया होगा। जो व्यक्ति उन पदों पर बैठे थे जिनको रोजगार और नौकरी देने की बात कर रहे हैं आप, तो उस समय अगर वो सही से चौकीदारा करते देश का और उन डिपार्टमेंट का जहाँ चोर बैठे, तो वो चौकीदार की ज़रूरत ही ना पड़ती इस देश में। आज इसलिए चौकीदार की ज़रूरत है कि आप किसान से मजदूर से लेकर हर डिपार्टमेंट में, IAS से और देश के प्रधानमंत्री तक, हर आदमी चौकीदार हो जाएगा तो स्वतः ही सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि मैं बेरोजगार, यानी कि मैं बेरोजगार हूँ, आप कह रहे हैं मैं चौकीदार हूँ। माननीय प्रधानमंत्री ने अभी हिंदुस्तान की 500 कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज जो चौकीदार की भावना बताई कि स्प्रिट है, ये भावना है। जिन लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया केवल विसिल और ड्रेस और कैप, उसको चौकीदार माना, इट इज़ नॉट सफिशेंट। चौकीदार इज 130 करोड़ लोग हिंदुस्तान के चौकीदार, और चौकीदार कौन होता है? जो अपनी पोस्ट पर बैठा हर व्यक्ति ईमानदारी से देश के प्रधानमंत्री के कदमों के साथ कदम मिलाता है, उसकी आवाज़ बनता है, तो हिंदुस्तान दुनिया की ताकत बनता है। यही चौकीदारा आज प्रधानमंत्री ने बुराइयों से दूर रहने की बजाय, अगर हम ये कहते कि बुराइयां हमें दूर करनी है या फिर जो समस्याएं हैं देश की उस समस्याओं पर बात करते, पूरा माहौल चेंज कर दिया। कांग्रेस ने बोला कि चौकीदार चोर है, हमने बोल दिया कि मैं भी चौकीदार हूँ, सभी लोग चौकीदार बन गए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया उस मुद्दे को, उन्होंने महात्मा गांधी जी को याद किया और उन्होंने कहा कि जो उनका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था, यानी कि एक भरोसा जताना, एक विश्वास पैदा करना, और 2014 के बाद में जो नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से सारी चीज़ों को लेकर के आगे आए हैं, उन्होंने इस देश की सुरक्षा स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो कदम उठाए हैं, और जो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा इस देश में हुआ करता था उस पर जिस तरह से वो अंकुश करने का प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत हद तक उसमें सफल भी हुए हैं, तो ऐसे में उसको नकारा नहीं जा सकता। और यदि कांग्रेस कहती है कि मैं भी बेरोजगार हूँ, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा दोषी वो है क्योंकि अधिकांश समय उन्होंने शासन किया है, ऐसा कहना उनका हास्यास्पद है। जहाँ तक चौकीदारी की बात है, तो नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए शामिल किया है कि हर कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपने कर्तव्य को समझे और इस देश के लिए कार्य करे। जनता ये कह रही है कि मुद्दा गोल हो रखा है, सारा मुद्दा चौकीदारी पे चल रहा है। मुद्दा क्या है इस लोकसभा चुनाव का? मुद्दा इस लोकसभा चुनाव का केवल यही है, राष्ट्रवाद। इसलिए कि अब तक कांग्रेस ने आज़ाद भारत में जो किया सबने देखा, आज पूरा देश त्राईमाम। इसलिए पहले ऐसे कर रहा था कि जब तक कांग्रेस की सरकार रही कि उसने जो है ना केवल वादे तो किए,
लेकिन वास्तव में काम कुछ धरातल पर कुछ नहीं किया। गरीबी का नारा जो 1971 में दिया गया था वो आज तक मौजूद है, और आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री मोदी पर। आप बताइए, 55 साल का जिसने राज किया और आज वो 55 महीने से कंपेयर कर रहा है, ये बड़ी ही विडंबना वाली बात है। इस देश को जब कांग्रेस ने 55 साल का समय दिया है तो मोदी जी को कम से कम जो है 15 साल का भी उन्हें समय मिलना चाहिए। और मैं मानता हूँ देश को भरोसा है, देश की जनता चाहती है कि विकास के लिए, राष्ट्रवाद के लिए एक बार फिर मोदी जी इतिहास जीत दर्ज करेंगे और देश को फिर अपना नेतृत्व देंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी और पूरा देश एक चौकीदार के रूप में इस देश की सुरक्षा में तन्मय हो जाएगा, एकजुट हो जाएगा और देश को फिर एक सफल और एक सुखद नेतृत्व मिलेगा, जो कि हमारे पूरे देश दुनिया में हमारा नेतृत्व की सब लोग जो है तारीफ करेंगे और हमारा देश विकसित देश बनेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही क्यों बनेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार दोबारा इसलिए बनेगी क्योंकि जो पिछले 70 सालों में बिगड़ा हुआ काम था, आम जनता ने देख लिया कि मोदी जी ही सब कुछ कर सकते हैं। मोदी जी है तो मुमकिन है। हमारे राष्ट्र का जो राष्ट्रभक्त लोग हैं उनका स्वाभिमान केवल और केवल माननीय मोदी जी ही बचा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आज भारत की जो छवि भारत की बनी है वो केवल मोदी जी के होने से ही मुमकिन हुई है। आप लोगों को नहीं लगता कि मुद्दा सब कुछ, मतलब जो पहले मुद्दे हुआ करते थे कि हमको जैसे क्या बोलते हैं उसको, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा हो जाता था, कहीं कहते थे गरीबी है, गरीबी दूर करना है, कहीं पर रोजगार की समस्या रहा करती थी, कहीं पर सड़क की समस्या रहा करती थी, कहीं बिजली की समस्या, कहीं पानी की समस्या, वो सारी समस्याएं एक तरफ कर दी गई। पूरा मुद्दा जो है पूरा विपक्ष लगा हुआ है कि मोदी हटाओ, मोदी जी कह रहे हैं कि मैं चौकीदार हूँ, कहानी वहाँ पर विकास पर नहीं जा रही है, सिर्फ और सिर्फ एक तरफ ही जा रही है। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है बिल्कुल, ये आप जो कह रहे हैं ये ऐसा नहीं है। मोदी जी अभी 5 साल हम और देंगे और निश्चित रूप से, जैसा कि पूरे देश का मामला आप देख रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ करके मैं हूँ चौकीदार और तमाम जितने भी प्रचार प्रसार से लग रहे हैं सभी साथ देंगे भी, और मोदी जी का साथ दे रहे हैं बहुत अद्भुत तरीके। अब का लोकसभा का चुनाव पिछले लोकसभा की अपेक्षा और ज़्यादा मजबूत होने जा रहा है और अब की बार पार्लियामेंट में हम बहुत ज़्यादा सीट जीत करके आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार मुद्दे यहाँ हैं, लेकिन चूंकि लोकतंत्र में चुनाव एक अपने आप में महत्व रखता है और वहाँ पर जब कोई चीज़ कहीं सामने से आती है तो उसका फिर एनकाउंटर भी किया जाता है, उसका जवाब भी दिया जाता है, तो ये तो सब चीज़ें अपने साथ चलती हैं। लेकिन जहाँ तक मुद्दों की बात है, आप देखेंगे कि इन 5 वर्षों में एक सबसे बड़ा अटल आयुष्मान योजना, व्यक्ति कभी भी बीमार हो सकता है, साधन है कि नहीं है, इलाज नहीं होता है, लेकिन इतनी बड़ी योजना ला करके मोदी जी ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। आज 5 लाख रुपए एक परिवार के लिए प्रतिवर्ष की जो व्यवस्था की है, मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा कोई इतना कार्य नहीं हो सकता है। किसानों के लिए भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी, और सैन्य क्षेत्र में, और स्वाभिमान बढ़ाने के क्षेत्र में ये मुद्दा बहुत कम नहीं है। कि आप जिस तरह देखें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण किया था और क्लिंटन के दबाव के बावजूद उन्होंने किया था, और आज जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक, आज जिस तरह से एयर स्ट्राइक, और जिस तरह से पाकिस्तान, चीन और दूसरे सब लोग उनसे घबरा रहे हैं, आज कितना अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये विदेश नीति है। लोग कहते थे कि मोदी जी घूमने जा रहे हैं, लेकिन उनको घूमने जा करके ये बताना था कि भारत क्या है, भारत क्या चाहता है। आज अमेरिका है, आज फ्रांस है, आज ब्रिटेन है, आज रूस है, पूरी तरह से मोदी जी के साथ खड़ा है, तो ये बहुत बड़ी जीत है और ये निश्चित रूप से अच्छे मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर जनता ध्यान दे रही है। राहुल गांधी या कांग्रेस या गठबंधन जो ऐसे बन गए हैं, हवाई और मौसमी गठबंधन है, उन पर विश्वास कोई नहीं करेगा। मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारे मुद्दे बरकरार हैं, विकास महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो था और रहेगा। और मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे वो राष्ट्रीय नेता नहीं थे, उस समय वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, लेकिन गुजरात में जो उन्होंने विकास की आंधी लाए उसी के कारण लोगों ने उनको स्वीकार किया और ये विकास की लहर निरंतर चल रही है। मुद्दे हमारे बरकरार हैं, हम इससे और आगे जाएंगे। अच्छा, आपसे तो एक विशेष सवाल मुझे पूछना है, लाइट जल गई, अच्छी बात है। विशेष सवाल है कि आपसे लोगों ने आके 15-15 लाख रुपए मांगे तो नहीं बीच में कभी? 15 लाख रुपए ऐसा है, हमने वादा कब किया था, हमने तो एक सेल्फ ड्रेस के लिए काम किया। आप पूरा ड्रेस वही पहनते हैं, आपका पूरा फेस वो है मोदी जैसा है, तो आपसे लोग आके ऐसा नहीं, पीछे आपके पड़ गए, पहले मेरे 15 लाख रुपए दीजिए बाद में बात करेंगे, ऐसा नहीं बोलते। वो कहते हैं हमें रोजगार चाहिए, रोजगार हम दे रहे हैं। अच्छा, रोजगार सबको दे रहे हैं? क्यों नहीं दे
रहे हैं, विकास क्यों नहीं हुआ आप हमें बताइए। सड़कें बनी है, कितनी सड़कें बन रही हैं? हमारे कांग्रेस के राज में 4 किलोमीटर सड़क बनती थी, हमारे राज में 40 से 45 किलोमीटर सड़क बनती है। पढ़े तो मैं ये कह रहा हूँ, रोजगार मिल रहा है पक्का? तो रोजगार जब सड़कें बनेंगी तो उसमें रोजगार नहीं मिलेगा, बताइए, नहीं मिलेगा। कुछ समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन रोजगार का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सड़क बनाना ही सबके लिए रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी। रोजगार में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सबके लिए आती हैं, हर एक सेक्टर में आता है। सड़क एक समस्या है, सड़क बनाना ही रोजगार देने की व्यवस्था नहीं होती। जब सड़क पर चल के जाएंगे हम, और हम हमें कहीं जाना हो तो रोजगार करने जाएंगे? नहीं, नहीं, रोजगार के लिए तो नहीं जाएंगे, आपकी बात मान ली। लेकिन ये रोजगार हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतनी योजनाएं की हैं कि उनमें रोजगार नहीं है। नहीं, बिल्कुल योजना में रोजगार, योजना में वो नहीं है, योजनाएं चालू हुई हैं। कांग्रेस कहती है योजना में घोटाले हैं, योजना में। और कांग्रेस में कितने घोटाले हुए आप उसका हमें वर्णन बताइए ना। जो सावन का जो अंधा होता है ना, हैं, उसे सारी दुनिया में हरा हरा ही दिखाई देता है। इसका ये है, सारे घोटाले किए हैं कांग्रेस ने, तो अब कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सब में घोटाले नजर आएंगे। तो इसमें कोई अलग बात नहीं है। चोर जो होता है ना, कहते हैं कि भाई चोर दूसरे को चोर ही बताता है, तो वो चोर ही बताएगा, उसका तो काम ही यही है, है ना जी। इस वजह से मतलब जैसा दिखता है, जैसा हम देखते हैं वैसे हमको दिखता है। आप 15 लाख रुपए की बात कर रहे थे भाई साहब से कि 15 लाख रुपए मिले दिए क्या आपने लोगों को? मैं ये कहता हूँ जब तक 15 लाख नहीं आएंगे जब तक हम मोदी जी को वोट देते ही रहेंगे, देखे कब तक नहीं आने के 15 लाख। मैं तो आपके जो रुड़की के मोदी जी हैं, मैं तो उनसे स्पेशल सवाल पूछ रहा था, कहीं इनको पकड़ लेते होंगे लोग मोदी, आपको लोग मोदी मान लेते होंगे। मैंने 15 लाख रुपए कैसे दिए? हाँ दे दिए, 5 लाख रुपए का बीमा अभी दिया है हमने, जो स्वास्थ्य बीमा है वो 15 लाख में नहीं आ रहा, सबके खाते में नहीं जा रहे, उन्हीं से उनका विकास नहीं होगा जो मरने की हालत में है और उसको मिल रहा है 5 लाख रुपए, क्या बात कर रहे हैं। रुड़की के मोदी है? रुड़की के मोदी है, देश का मोदी हूं। अच्छा, उत्तराखंड के मोदी। तो देखो भैया, भारत माता की वंदे, 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 भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी अब